हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर कुछ 200 साल तक राज किया था, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इन 200 साल में क्या हुआ था? देखो, गुलामी हुई, लोगों को मारा गया, ये सब तो जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे चेंजेस की जो आज भी हमारी इकोनॉमी और ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। आपने काफ़ी सारी क्राइम थ्रिलर मूवीज़ में देखा ही होगा कि कैसे लोग आते हैं और एक बच्चे को पहले एक छोटी सी चॉकलेट देते हैं, फिर आगे क्या होता है सबको पता है। एग्जैक्ट ऐसा ही किया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्टिंग में सिर्फ एक बिजनेस पर्पस और ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ किया, लेकिन फिर ऐसे ऐसे लीगल रूल्स और बैटल से इंडिया को धीरे धीरे बंगाल की साइड से कैप्चर करना स्टार्ट किया कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम और लोकल इंडस्ट्रीज के साथ डिस्ट्रक्शन से गरीबी और भी ज़्यादा फैल गई, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज के टाइम में फेक न्यूज़ फैलती है। आप सोचो, अगर हमें एक बड़े से फैमिली को बर्बाद करना हो तो हम क्या करेंगे? सही सोचा आपने, फैमिली के अंदर ही झगड़े करवाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने मूवी में देखा है। सेम टू सेम स्ट्रेटजी ब्रिटिशर्स ने भी अपनाई थी। उन्होंने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी का यूज़ किया और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स बना दिए, जिसके रिजल्ट काफ़ी ख़राब होने ही वाले थे। ऑफकोर्स, क्योंकि हम सबको स्कूल में पढ़ाया जाता है, वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज यूनाइटेड एज वीक एज वी आर डिवाइडेड। अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उससे कुछ ऐसा इफ़ेक्ट हुआ था कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसे आप एक तरह से प्लान्ड मर्डर भी कह सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये मर्डर ही है। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कम पैसे देकर मजदूरी करवाई, लोगों को कम पैसे तो मिलते ही थे, लेकिन उससे ज़्यादा ओवरवर्क भी करना पड़ता था, और ऐसा करने से ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने लगी। ब्रिटिशर्स ने फार्मिंग में भी चेंज करवाए और लोगों को सिर्फ कॉटन जैसे क्रॉप्स करवाए जो कि सिर्फ कैश क्रॉप्स से पॉपुलर है। तो एट दी एंड उनका बिजनेस तो ग्रो हो ही रहा था, लेकिन देश में फूड क्रॉप्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगी और भूखमरी हुई, और इस भूखमरी में काफ़ी सारे लोग मारे गए, अराउंड 10 मिलियन। आपको क्या लगता है, ये मर्डर है या फिर नेचुरल डेथ्स हैं? कमेंट करो आपका ओपिनियन। ये सब चीज़ों के अलावा भी ब्रिटिशर्स रुके नहीं, उन्होंने इवन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, आयरन, ऑयल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स में एक्सप्लोइट किए थे। आपने एक कोट तो सुना ही होगा, नॉलेज इज़ पावर। ऐसा ही विचार शायद से ब्रिटिशर्स को भी आया था और उन्होंने हमारे सबसे पॉलिश्ड पावरफुल एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। काफ़ी सारी ऐसी बुक्स को और ऐसे नॉलेजेस को जो कि एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करते हैं उन्हें उन्होंने जला दिया और ओवरऑली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसे बर्बाद कर दिया। फिर क्या होना था, लोगों को अच्छा एजुकेशन ना मिलने की वजह से ओवरऑल इंडिया की पब्लिक काफ़ी वीक हो गई। आज भी ये चीज़ काफ़ी अफेक्ट कर दिए, और टू बी ऑनेस्ट हमारी हिस्ट्री की बुक्स में जो नॉलेज मिलता है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से दिया गया है, एक्चुअल रियल सिचुएशन तो अभी भी हमें नहीं बताई। आज के टाइम में भी अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करोगे आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी जिसके बारे में शायद हमें भनक तक नहीं है। आपको क्या लगता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स ने बिना मांगे हमें गिफ्ट में दे दी थी और आज भी हमारे साथ वो रह रही है और हमारी कंट्री को अफेक्ट कर रही है? आज के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। थैंक यू।